नीचे क्यों फेंका कागज में? सॉरी सर। क्यों फेंका कागज नीचे? सॉरी सर। दिखाओ उसको, नेचर को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है ना। बाहर से आओ और कागज उठाओ और यहाँ फेंक दो। सॉरी सर। बैग में डालो इसको, जहाँ डस्टबिन होगा वहाँ फेंकना जाते हैं। अंडरस्टैंड? सॉरी सर। दोस्तों, इस रास्ते में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है कुदरत ने अपना खेल दिखाया है। भूस्खलन हुआ है, यहाँ पे भूस्खलन हुआ है और जो है पर्वत नीचे को खिसक के रास्ता था वो टूट गया। दोस्तों, यहाँ पे भी एक रास्ता होता था इस साइड से जो कि अब टूट चुका है, जो कि हमारी गलती के कारण। दोस्तों, क्योंकि हम लोग ही इन जो पर्वत हैं इनको काटते हैं और फिर जब प्रकृति अपना खेल दिखाती है ना, पहले तो हम खेल दिखाते हैं फिर प्रकृति अपना खेल दिखाती है तो बंदा रोता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो था पुराना पुल था, अभी देख सकते हैं ये नया पुल बन गया, क्योंकि जो ये पुराना पुल है ये बिल्कुल ही टूट चुका है बरसात के कारण। काफी बड़े बड़े पत्थर इस पे गिरे हुए थे जो कि जिसके कारण ये टूट चुका है, नहीं तो पहले वहां से जाते थे घूम के। दोस्तों, अभी ये जो नया पुल बना है, नई सड़क बनी है दोस्तों, ये पूरी नई सड़क बनी है नई, और यहाँ से जो है शॉर्टकट है कसौली के लिए। काफी जो बढ़िया रास्ता ये जो बन चुका है। दोस्तों, ये जो आप पानी देख रहे हैं ये कुदरती पानी है जो अब जाके हमें मिला है। अब हमने दुकान से बोतल भी खरीद ली है, परंतु ये जो नेचुरल वाटर है ये काफी स्वाद होता है और ये पर्वतों के बीच में से होके गुजर के आता है। ये पहाड़ों का जो पानी है काफी अच्छा पानी है और दोस्तों यहाँ का जो नेचर है काफी अच्छा है, क्योंकि ये पुराने बुजुर्गों ने काफी टाइम से ये जो पानी है ये जो रोका हुआ है, काफी यहाँ पे बंदा जो है नहा भी सकता है। यहाँ पे जो पानी रोका हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो पानी है हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं और ये जो पानी है यहाँ पे रुक रहा है, इसको हम नहाने में, गाड़ी धोने में, काफी जगह पे हम यूज कर सकते हैं और काफी दोस्तों हमें मजा आ रहा है। और दोस्तों, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मुझे मेरे भाई ने जो कागज गिराने से जो रोका था, यहाँ पे हमने हिमाचल के होते हुए हम गंद डालेंगे तो बाहर का आने वाला भी गंद ही डालेगा, इसलिए हम जो कहीं भी घूमने जाते हैं जो रैपर वगैरह होते हैं कूड़ा, हम जो इकट्ठा कहीं भी आपको डस्टबिन दिखे वहां पे जो है डालना है, अगर ना दिखे तो अपने बैग में ही डाले रखें। दोस्तों, एक बात हमारे काफी नॉलेज की बात है कि जो कसौल है और कसौली है ये जो दो अलग अलग जगह हैं। कसौल जो है कुल्लू के आसपास है और जो कसौली है ये जो परमाणु के 19-20 किलोमीटर जो है लेफ्ट साइड में है, और कसौली जा रहे हैं ना कि कसौल में जा रहे हैं हम, ये आपके और हमारे नॉलेज की बात है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं कि कसौली अलग जगह है और कसौल अलग। तो जो कसौल है हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कसौली जो कि परमाणु के 19 किलोमीटर ही दूर है, और एक दिन में बंदा आराम से चंडीगढ़ से जो है वापिस आ जा सकता है। तो हिमाचल के मैं एक और नॉलेज की बात बता दूं कि यहाँ पे जो है मौसम किसी भी वक्त जो है कोई भी करवट जो है बदल सकता है। अभी देखो जरा सी धूप लगी है, थोड़ी ही देर में अगर मौसम का मन बना तो ये बादल भी जो है बना सकता है और बारिश भी हो सकती है और लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे का जो व्यू है, मैं इस टाइम काफी ऊंचाई पर हूँ, काफी जो पहाड़ हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं आसपास, और ऊपर आप देख सकते हैं बादलों का नाम लिया और बादल हाजिर हैं, और मुझे जो है काफी मजा आ रहा है वीडियो बनाने का,
और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पीछे की लोकेशन आप देख सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बने हैं, ये जो पार है यहाँ पे बंदा जो है खेती करता है। हम हिमाचली जो है सीढ़ी नुमा खेत में खेती करते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं यहाँ पे, ना कि बड़े बड़े खेत। और लैंडस्लाइडिंग का यहाँ पे, भूस्खलन का जो है किसी भी टाइम जो है खतरा रहता है, खासकर तब जब बारिश लगी हो तब ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। और यहाँ पे आप, अभी तक हम जो है कसौली नहीं पहुँचे हैं, हम जो है पिछले ब्लॉग से लेकर अभी तक जो है हम पैदल विजिट कर रहे हैं। भाई तो अपने धुन में खोया हुआ है, शायद किसी के साथ चैटिंग भी कर रहा हो, ऑफिस से मैसेज आया हो, शायद कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है बारिश आ जाएगी। पीछे आप देख सकते हैं बादल जो हैं छा चुके हैं, हाय वो। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, बैग लिया है मैंने, शाम को जो है हमने कसौली से वापस जो है हो जाना है चंडीगढ़ के लिए। दोस्तों नवीन जी थक चुके हैं और पीछे पत्थर पे बैठ गए हैं और लोकेशन का एंजॉय ले रहे हैं। दोस्तों मुझे मिली है कैंठी, जो कि इन पेड़ों के साथ लगी हुई होती है, इसके अंदर एक बीज होता है, उसे खाने में काफ़ी आनंद आता है, लेकिन वो बीज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओ मेरी ये जानी, ओह हो दोस्तों बेई के मैं बड़ा कहने लगा ना, बाकी कैंठी बोल दे ईसा, कैंठी बोलते हैं इसको, ईसा जो पहाड़ी में इसको बोलते हैं ईसा जो कने। दोस्तों बादल आ गए हैं, अभी हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, फिर वापस आना होगा, नहीं तो बारिश हम पे गिर जाएगी। कहीं धूप है तो कहीं छांव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल हैं और पार जो है धूप निकली हुई है। मुझे तो लगता है कि मैं डर रहा हूँ कहीं बंदर ना आ जाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी बादलों का नाम लिया था, बादल जो है पहाड़ों में आ चुके हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, तो दोस्तों अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जो है मौसम करवट बदल चुका है और मौसम जो है ठंडा हो चुका है। और साथ में मेरे दोस्तों का फोन आया है, बॉबी भाई का, महादेव चाइल्ड का, अंकुर भाई का। दोस्तों महादेव जी का शॉट आ रहा है, वो सीरीज बना रहे हैं, पता नहीं कौन सी सीरीज है। दोस्तों पीछे देख सकते हैं काफी लंबा रास्ता हमने पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पे जो चील का पेड़ डिगा हुआ है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे लकड़ियाँ हैं जो सर्दियों में आते हैं लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और ये लकड़ियों की आग जो है तपते हैं। हाय दोस्तों, चली चली पैरां दे तले कसोईए ना, पर बूटां दे तले कसोईए, पर हल्दी घर पुजे नहीं लोकेशन। हां दो ही बंदे चलियो, कौन कौन? मैं कहना बड़का, कौन बड़के जू वाले? नहीं माय रियल बड़का। अच्छा नवीन जी, नवीन जी हां पर मेरे छोटे हैं। हां हां तो दोस्तों पता नहीं कल बुझना क्या, मैं बड़ा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है।